नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। मैं जो बाइसेल सिग्नल कम स्किनर मेरा वेबसाइट पे डिस्प्ले करता हूँ, उसी के थ्रू में मैं रेगुलर व्यू देता हूँ। ये 3 अक्टूबर 2018 के लिए मैं व्यू दे रहा हूँ यूट्यूब वीडियो के द्वारा। उसी को मैंने आप लोगों को स्क्रीन करके दिखाता हूँ क्योंकि ये आप लोग को भी पता चल जाएगा कैसे स्क्रीनिंग करने से इसको अच्छी तरह से यूज़ करना किया जा सकता है। मैं सेल साइड में देखता हूँ, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी को कर लेता हूँ, उसके बाद प्रोबेबिलिटी 1 को करता हूँ, उसके बाद प्रोबेबिलिटी 1, उसके बाद इधर देखता हूँ एलटीपी को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं 100 के ऊपर। ये में क्रॉस ओवर हो चुका है 5x13, 8x20, 9x26। प्राइस चैनल का मिड बैंड का नीचे है और देखते हैं कैसे स्क्रीन किया जा सकता है। पॉडकास्ट इसको भी कर लेते हैं और इधर कर लेते हैं रिमोट पॉइंटर S1 के बीच, रिमोट पॉइंटर S1 के बीच उसको कर लेते हैं। उसको भी कर लेता है ठीक है। ये लेवल आप लोग वर्क कर सकता है, ये लेवल वर्क कर सकता है और न्यू वाइसल लेवल को भी वर्क कर सकता है। लेवल 1 को नोट कीजिए, इसको अच्छी तरीके से नोट कीजिए। तो इसको देख कर ट्रेड करने से बाई सेल लेवल कोई की कोई भी आ जाएगा। न्यू बाई सेल लेवल 2 को भी नोट कर सकते हैं। अब उसका टारगेट स्टॉप लॉस कैसे करना है उसको भी देख सकते हैं और निफ्टी बैंक निफ्टी लेवल्स को ये नोट कर सकते हैं। निफ्टी वन निफ्टी लेवल्स का इसको भी नोट कर सकता है। और चार्ट पे देखिए इधर जो देखिए इधर बोलिंगर बैंड लगा है और BWAP लगा है नीचे है और MACD का देखिए इधर डायमंड चेस हुआ, RSI नीचे आ गया, वो सब दिक्कत है, देखते हैं फिर से नीचे जाता है क्या नहीं। इधर ऑप्शन चेन में देखिए इधर कॉल साइड में शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, जिधर रेजिस्टेंस है सभी जगह में शॉर्ट बिल्डअप ही हुआ है पूरा चेन में। और इधर देखिए अपिक साइड का लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, इसका रेशियो कम है, देखता है इस जाता है क्या नहीं। उसको और भी स्क्रीनिंग कुछ किया जा सकता है क्या, देखता है एक बार। ये
को आप लोग दिख सकते हैं।